सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया है। चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के कई अन्य दिग्गज नेताओं की जान भी सांसत में है, क्योंकि उनके खिलाफ भी सीबीआई जांच चल रही है। इस सूची में कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हैं। रॉबर्ट वाड्रा, जमीन खरीद और शेल कंपनियों के जरिए विदेशों में संपत्ति खरीदने के मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद हैं। फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा को सीबीआई की विशेष अदालत से अग्रिम जमानत मिली हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सीबीआई ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं और जांच कर रही है। इस संबंध में इस साल जनवरी में दिल्ली एनसीआर में उनके आवास समेत 20 स्थानों पर छापेमारी की गई। उनके खिलाफ 2009 में गुड़गांव में भूमि आवंटन में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि तत्कालीन हरियाणा सरकार की तरफ से 2009 में गुड़गांव में किए गए 1417 एकड़ जमीन के अधिग्रहण में जबरदस्त गड़बड़ियां हुई थीं। वीरभद्र सिंह, सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है। उनके खिलाफ जांच चल रही है और शिमला में उनके आवास सहित कई स्थानों पर छापेमारी भी की जा चुकी है। उन पर आरोप है कि केंद्रीय इस्पात मंत्री रहते हुए आय से ज्ञात स्रोतों से अधिक करीब 6.1 करोड़ रुपए की कथित संपत्ति अर्जित की। मामले की जांच चल रही है। हरीश रावत, उत्तराखंड के दिग्गज कांग्रेसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी सीबीआई जांच की जद में हैं। उनके खिलाफ अप्रैल 2016 में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले बागी विधायकों को समर्थन के लिए घूस की पेशकश करने का आरोप है। कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम के बेटे और तमिलनाडु के शिवगंगा से सांसद कार्ति चिदम्बरम भी सीबीआई जांच की जद में हैं। सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में 305 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हासिल करने के लिए अवैध तरीके से एफआईपीबी मंजूरी दिए जाने का आरोप लगाया गया था। उस वक्त चिदम्बरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे, फिलहाल जमानत पर हैं। उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2018 को जमानत दी थी। अहमद पटेल और रतुल पुरी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल पर अगस्ता वेस्टलैंड से कमीशन लेने के आरोपों की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी भी फंसे हैं। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में जारी गैर जमानती वारंट रद्द करने की अर्जी को राउज एवेन्यू कोर्ट नामंजूर कर चुका है। यह मामला अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से 36 अरब रुपए के 12 वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने से जुड़ा हुआ है। डीके शिवकुमार और डीके सुरेश, कांग्रेस के दिग्गज नेता और संकट मोचक माने जाने वाले डीके शिवकुमार के खिलाफ भी सीबीआई ने शिकंजा कसा हुआ है। उन पर आरोप है कि रामनगर स्थित कॉरपोरेशन बैंक के मुख्य प्रबंधक बी प्रकाश ने कुछ अज्ञात लोगों के साथ मिली भगत से 14 नवंबर 2016 को चलन से बाहर कर दिए गए 10 लाख रुपए के नोटों को नए नोटों में बदला था। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी शिकंजे में, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी केंद्रीय एजेंसियों की जांच से बाहर नहीं है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी समेत कई नेता नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं। उन पर आरोप है कि कांग्रेस के पैसे से 1938 में एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड नाम की कंपनी खड़ी की गई, जो नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज नामक तीन अखबारों का संचालन करती थी। 1 अप्रैल 2008 को सभी अखबार बंद हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे लिया था।